इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डबोकुर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक ने ए ग्रेड के खिताब से नवाजा है। यह मान्यता शिक्षा के जगत में उदयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि गिट्स दक्षिणी राजस्थान का ऐसा महाविद्यालय है जो पूर्व में BNA एक्रीडेटेड था, अब इसे नेक ने ए ग्रेड से नवाजा है। संस्थान निदेशक डॉक्टर NS राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों ने संसाधनों का मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में नए नए तरीकों, प्रोफेशनल करियर में और शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास सुधार के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है। गिट्स महाविद्यालय ने पिछले कई वर्षों से किए गए उत्कृष्ट कार्यों का वेरिफिकेशन और सभी मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्षों के लिए ये मान्यता प्राप्त की है। बड़ी खुशी का दिन है ये चीज़, और ये न्यूज़ शेयर करते हुए मेरे को बड़ा ही खुशी हो रही है कि हमारा जो गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ है, जिसको कि शॉर्ट में गिट्स के नाम से जानते हैं, 20 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी हमारे श्रीमान JP अग्रवाल साहब के मार्गदर्शन पे। ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और उन्होंने इसमें बहुत ही तरीके से इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी और हमने अपना दिनों दिन इसमें उन्नति करी। आज मेरे को बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो कि एक असेंशियल पार्ट है हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, उसके द्वारा भी एक्रीडेटेड है, और जो नेक है जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको एक्रीडेट करती है, उसमें भी हमें ए ग्रेड के साथ हमें एक्रीडेशन मिला है। और इसके बाद अब हम भी इन्हें पूरे सदर्न राजस्थान के अंदर तो ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसको ए ग्रेड मिला है। राजस्थान में भी देखा जाए तो 10-12 और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास ए ग्रेड है, मगर हमारी ए ग्रेड जो हमें मिला, हमें भी ये हमारे कार्य को देखते हुए अब संतुष्टि हो गई है, और इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हम और आगे अच्छा काम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम साधारण व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटीज़ को, इंस्टीट्यूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे सकें। हम हमारी विजिबिलिटी भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, और राज्य स्तर के जितने भी कार्य होते हैं और भारतीय स्तर के भी, पूरे देश के स्तर पे भी, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रखी है, उस लॉन्च में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे छात्रों को इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसके बाद हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो यहाँ आएंगे और हमारे छात्रों का रिक्रूटमेंट करेंगे। इस साल हमने डिसाइड किया है कि हम 100% प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, उनकी बात नहीं मैं करता, मगर जितने एलिजिबल छात्र हैं उन सब का हम 100% प्लेसमेंट की बात करेंगे। और साथ में ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें एक्सपेंशन करें। हर डिपार्टमेंट को एक टास्क दे दिया है हमने, और हम ये उसी में हैं कि हमारे छात्र भी और हमारे अध्यापक लोग भी और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी सब एक साथ मिलके और हम काम करें और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाएं, और जिससे कि छात्रों का भी हित रहे और हम सब का भी हित रहे कि हम भी सोसाइटी को कुछ हेल्प कर सकें। धन्यवाद। हाय, स्टार्टअप की पहली दिवाली मुबारक हो। संजीव, वाओ। वैसे व्हाट यू हैव डन टू दिस प्लेस नाउ, द एनर्जी, द पीपल, आई लव इट। सोच रहा था मैं भी आ जाऊं। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो आ ही सकते हो। इंटरव्यू इसके बाद भी? इस त्योहार में खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाय तनिष्क।